वाले वेरा से आज मुखातिब हुआ आपसे पाक अरब टीवी के चैनल से। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स कंप्लेन करते हैं कि हम उन्हें डोर टू डोर सामान नहीं दे पाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं सादका बोध हो गया, इसके अलावा गोटकी हो गया, डेरकी हो गया, और ये बहुत सारे अंदरूनी शहर है जहाँ पे गाड़ी नहीं जाती है। और पेट्रोल के आप जानते हैं कि कीमत से बढ़ने की वजह से 3 रुपये किलो के हिसाब से हमारा होता है, और कई बार हमारे गाड़ियों वालों से होता है कि हम इस हिसाब से आपका सामान नहीं आगे पहुँचा सकते, और वो कई बार ऐसा होता है कि गांव शहर में नहीं जाती, जो मेन रोडें होती हैं, पक्की सड़कें होती हैं, वहाँ तक जाते हैं, और इस वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स कंप्लेन करते हैं और सामान टूटने की बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि कई बार जो वो खुद पैकिंग करते हैं और अगर उनमें कोई नाजुक सामान होता है और वो अगर टूट जाता है तो वो बताते हैं कि जी हमारी ये चीज़ टूट गई है, तो हम कहते हैं कि हम उन लोग जब कंटेनर भिजवाते हैं तो उसमें सामान स्टेप बाय स्टेप ऊपर नीचे लगता है। कई बार ऐसा होता है कि 2-3-4 लाइन एक साथ ऊपर होती है, कई बार नीचे वाला जो सामान होता है वो नाजुक होता है और क्लाइंट हमें आगाह नहीं करते, जिसकी वजह से वो सामान डैमेज हो जाता है या कार्टन कहीं से खुल जाता है या सामान ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से हम उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर आप खुद पैकिंग करें तो खुद सामान पैक करें, हमें बताया करें कि इसमें हमारा ये सामान है, ताकि हम आपको बता सकें कि आप पैकिंग कैसे करें और आप अपना सामान कैसे हमें दे सकते हैं, और एहतियात के लिए हमें भी बताया करें ताकि हम उस नग को बाहिफाजत या तो ऊपर रखें या हम उस पर स्टीकर लगा सकें कि भाई इसमें नाजुक सामान है, इसका एहतियात किया जाए। क्योंकि जब हम कंटेनर में सामान भिजवाते हैं तो सेम ऐसे ही जैसे ही ऊपर नीचे लगा हुआ सामान इस तरीके से जाता है, और कई बार कंटेनर में नीचे वाला सामान जो होता है वो थोड़ा सा दब जाता है या रह जाता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ये LCD की पैकिंग है, ये हम लोगों ने थर्माकोल बबर रोल लगा के रैपिंग के साथ की हुई है। ये जैसे लकड़ी की अलमारी बनी हुई है, इसमें बच्चों के आप टॉयस वगैरह भी भिजवा सकते हैं और बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें भी भिजवा सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे इसमें बर्तन रखे गए, ये क्रॉकरी और ये पेटी बनाएगी, और इसमें हम लोगों ने स्टिकर लगा दिया ताकि ये एहतियात से सामान जाए। तो हमें जब क्लाइंट्स बताते हैं तो उसके लिए हमारा अगर नॉर्मल सामान होता है तो उसका अलग होता है, अगर क्रॉकरी या बर्तन है तो उसके लिए अलग होता है, इसी तरीके से जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके लिए अलग अलग होता है। आप देख सकते हैं कि ये कारपेट्स की पैकिंग है, अगर आप खुद भी करें तो बड़ा अच्छे तरीके से करें, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमसे मालूम हासिल कर सकते हैं कि वो आप खुद पैकिंग कैसे करें, और अगर आप हमसे पैकिंग करवाएंगे तो आप हमसे करवाना चाहते हैं तो जैसे ये बबरो लगा के थर्माकोल लगा के रैपिंग करके, ये हम लोगों ने इसमें ओवन है और ये आप चेक कर सकते हैं कि ये पेटी है, इसमें बर्तन है, इसके अलावा ये आप चेक कर सकते हैं ये वॉशिंग मशीन है, बाकी ये नॉर्मल पैकिंग है जैसे बहुत सारे सामान की आप चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप इस साइड पर ये हमारे बुडिंग बॉक्स बने हुए हैं, जो बहुत सारी नाजुक चीज़ें होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं, कोशिश करते हैं कि उन्हें बाइफादर जिस तरीके से भिजवाया जाए। ये जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ये अलमारी पैक की हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं ये अलमारियों के बुडिंग बॉक्स बने हुए हैं ताकि बाइफादर सामान चला जाए। ये LCD आप देख सकते हैं, ये जैसे कि मैं 49 इंच की LCD है, इनके बुडिंग बॉक्स बने हुए हैं ताकि ये भी बाइफादर सामान चला जाता है। पैकिंग के लिए हम लोग अपने वेयर हाउस में ही सारा सामान पैक करते हैं, नॉर्मल तो हम लोग क्लाइंट्स की तरफ भी पैक कर लेते हैं, लेकिन वुडिंग बॉक्स बनाने के लिए या पैकिंग करने के लिए हम अपने बड़े वेयर हाउस में आते हैं। और बाकी किसी भी चीज़ के हवाले से अगर आपको कोई कंप्लेंट होती है तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं। और वैसे हमारी बहुत जगह पर शॉप है, जैसे कि हमारी अलैन में शॉप है 11 नंबर सनाइया में मुबारक मार्केट की बैक साइड पे, इसके अलावा हमारे अबूधाबी में डिलाइट कार्गो के नाम से, इसके अलावा हमारी कलबा में शॉप है जो कि फजीरा और कलबा और इसके अलावा के दिब्बा सनाइया सब कवर करती है। शारजा में हमारी शॉप है अलमिजाज बन में, इंटरनेशनल सिटी में हमारी बच्चा कार्गो के नाम से शॉप है, हमरिया पोर्ट पर बच्चा कार्गो का वेयर हाउस है, आशा पाकिस्तान सुपर कार्गो अजमान में। बाकी अगर आपको कोई भी मालूम हासिल करनी हो तो हमें कॉल कर सकते हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि आप बड़े अदारे को अपना सामान दें ताकि आपका सामान बाहिफाजत आपके घर तक जाए। बच्चा कार्गो की अपनी भी पाकिस्तान में सर्विस है, क्योंकि हमारा खुद का वहाँ से सामान भिजवाते हैं, बाईफाजत डोर टू डोर सर्विस है और आपके घर तक आपका सामान बाईफाजत।